नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में एक माँ अपने 1.5 साल के बच्चे को स्टेशन पर छोड़कर कहीं चली गई। स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर ने बच्चे को रोता देखा तो आरपीएफ को जानकारी दी। आरपीएफ के ड्यूटी अफसर मौके पर पहुंचे और बच्चों को चाइल्ड लाइन केयर सेंटर भेजा। मां की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर में गुरुवार सुबह आरपीएफ को यात्रियों ने सूचना दी कि 1.5 साल का बच्चा अकेला है और रो रहा है। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की टीम प्लेटफॉर्म नंबर 1 के जनरल टिकट काउंटर पर पहुंची और बच्चे को अपनी निगरानी में लिया। आसपास बैठे यात्रियों से जब जानकारी ली तो यात्रियों ने बताया कि रात में एक महिला अपने बच्चे के साथ देखी गई थी। बच्चे को सुला दिया और फिर किसी से फोन पर बात की, अचानक कहीं गायब हो गई। फिलहाल आरपीएफ थाने की टीम ने महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से बच्चे को थाटीपुर स्थित एक चाइल्ड लाइन केयर सेंटर में भेज दिया है। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस खंगाल रही है ताकि पता चले कि बच्चे को अकेला छोड़कर जाने वाली महिला कौन और कहां से आई थी। ये कल दिनांक 29 तारीख की घटना है और सुबह के समय दो तीन यात्रियों ने बताया कि एक लगभग 1 से 1.5 साल का बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 1 बुकिंग काउंटर के हॉल एरिया में पड़ा हुआ है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। उस समय जो ड्यूटी पर हमारे सब इंस्पेक्टर सैलन सिंह ठाकुर थे, उन्होंने जाकर देखा। आसपास में जो यात्री थे उन लोगों से उसके बारे में जानकारी किया तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है काफ़ी देर से यहाँ पे सो रहा है। फिर उसके बाद में स्टेशन से उसकी उद्घोषणा कराई गई लेकिन कोई भी उस बच्चे का परिजन नहीं आया। बाद उस बच्चे को पोस्ट पर लेकर आए और महिला एवं बाल विकास ग्वालियर को सूचना दिया गया चाइल्ड लाइन की मदद से। बाद में अभी वर्तमान में बच्चे को शिशुगृह थाटीपुर में देख रेख हेतु वहाँ पर सुपुर्द किया गया है। मामले में जांच की जा रही है। अभी तक एक महिला जो उस बच्चे को छोड़ के गई ऐसा यात्रियों ने बताया था तो उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभी तक कोई ऐसा विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।